फिर ये संघर्ष कब तक? देखिए, संघर्ष की वजह तो सार्वजनिक है। देश की सबसे बड़ी अदालत का एक निर्णय आया और देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्णय से सरकार कोई भी हो उसका बंधना वैकल्पिक नहीं होता, ऐच्छिक नहीं होता कि बंधे या ना बंधे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो सरकार के लिए बाध्यकारी, सरकार की इच्छा हो तो भी बाध्यकारी और अनिच्छा हो तो भी बाध्यकारी। वही परिस्थिति शिक्षा मित्रों के साथ आई। शिक्षा मित्र जो समायोजित हो गए थे सहायक अध्यापक के पद पर, वे सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से सड़क पर आ गए। लेकिन उसके बाद का संघर्ष भी सामने है। शिक्षा मित्रों ने कैसे कैसे संघर्ष किया, सैकड़ों शिक्षा मित्र इसी संघर्ष यात्रा में दिवंगत भी हो गए। तमाम धरने, प्रदर्शन, वार्ता, एक पूरी फेहरिस्त है इस संघर्ष की। लेकिन दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला ये कि सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए जो मानदेय था उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की और 10,000 रुपए महीने मानदेय तय किया बढ़ाकर। मैंने कहा था कि उससे पूरी राहत मिली। 10,000 रुपए जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं,